इंडिया गठबंधन आज जिस तरीके से दलित और मुसलमान की उपेक्षा कर रहा है और दलित और मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, इसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दलित नौजवान चंद्रशेखर आज़ाद, जो उभरता हुआ दलितों का चेहरा है, उसके पहले उससे ये बात हुई कि आपके लिए इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ेगी। वो बेचारा नगीना सीट से अपनी तैयारी करने लगा और जब वो तैयारी मजबूती से करने लगा, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद भी बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है, निर्णायक पोजीशन पर नगीना सीट पर मुसलमान है और दलित भी वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, तो अखिलेश यादव को ये लगा कि कहीं एक दलित का बेटा उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा में MP ना बन जाए, और अगर वो MP बनता है तो दलितों की अब मजबूत आवाज़ बनने का काम करेगा। फट से वहाँ पर अपना एक गठबंधन का प्रत्याशी उतार दिया, और प्रत्याशी उतारने के बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद को हरवाने का काम कौन करेगा, इंडिया गठबंधन करने जा रही है, और इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर आज़ाद को हरवा कर दलितों को हरवाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं हरवाएंगे बल्कि दलितों को हरवाने का काम करेंगे, क्योंकि वो नौजवान पूरे भारतवर्ष में दलित समाज की आवाज़ बड़ी मजबूती से उठाने का काम कर रहा था, और हम चाहते थे कि अगर वो नौजवान चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर भारत की राजनीति में पहुंचता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता, तो दलितों की और मजबूती से आवाज़ उठा सकता। अब मैं दूसरी बात करना चाहूँगा जो मुसलमानों के साथ इन्होंने किया है। TMC ममता बनर्जी की पार्टी को एक सीट दी उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सीट दी। उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, और उसको एक सीट दे दी जाती है। मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीट मांगी थी, उनको 5 सीट नहीं दी गई। तो इससे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव केवल मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, और जो बेड़ियां उन्होंने उनके पैरों में डाली हैं मुसलमानों के, वो नहीं चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इन बेड़ियों को खोल पाएं। मैं मुसलमानों से और दलितों से ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों से सावधान होकर के अब अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती देना है और इन बहरूपियों को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है।